हेलो दोस्तों, मेरा नाम रियाज और आप देख रहे हैं टेक्निकल रियाज चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंट्रोल सेंटर सिंपल एप्लीकेशन की मदद से आप किस तरीके से आप आपके एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कंट्रोल सेंटर है आपका दोस्तों मोबाइल का, उसको आप यहाँ पर आईफोन के कंट्रोल सेंटर जैसा कर सकते हैं कुछ इसी तरह से। तो किस तरीके से ये ऐप काम करती है और किस तरीके से यहाँ पर आप कंट्रोल सेंटर कर सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करना है और आपको दोस्तों मैं विद लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, विद लाइव प्रूफ यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पर कोई भी स्क्रीनशॉट बता दूंगा, मैं आपको विद लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से दिखाई देगा। फिर आपको आपकी एक लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, जिस भी लैंग्वेज हो आपकी। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर परमिशन अलाउ करना। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बात बता दूँ कि इस ऐप में आपको परमिशन अलाउ करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना परमिशन को अलाउ करे आप प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाओगे। तो परमिशन को आप अलाउ यहाँ पर ज़रूर करें। यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा और ये एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको कैमरा पर क्लिक करना है और इस कैमरे की परमिशन यहाँ पर अलाउ करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट एंड नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस ऐप को यहाँ पर फाइंड करना है और ये परमिशन को भी अलाउ यहाँ पर कर लेना है। दोस्तों, परमिशन यहाँ पर आप ध्यान से अलाउ करें। उसके बाद यहाँ पर आप ड्रॉ अदर ऐप्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, कंट्रोल सेंटर सिंपल ऐप को यहाँ पर फाइंड करना है और इसकी भी परमिशन को अलाउ यहाँ पर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर राइट सेटिंग पर क्लिक करके इसको भी यहाँ पर ऑन कर देना है और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स, तो इस पर क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद नीचे में आपको आना है अदर ऐप्स में। अदर ऐप्स में आने के बाद आपको कंट्रोल सेंटर सिंपल वाली ऐप को फाइंड करना है और यहाँ पर इस परमिशन को आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों, ये जो आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो अब आईफोन बनने के लिए तैयार है। तो आपको क्या करना है, इनेबल कंट्रोल सेंटर पर क्लिक करना है। जिसे यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से कंट्रोल सेंटर बन जाता है। आप देख सकते हैं ब्राइटनेस कम ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। उसके बाद ये वाईफाई का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मिल जाता है, ऑन ऑफ का। तो ऑन ऑफ यहाँ से वाईफाई भी कर सकते हैं। टार्च वाला ऑप्शन मिलता है, कैलकुलेटर, कैमरा और भी चीज़ें यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। कैमरे पर क्लिक करके कैमरा भी यहाँ पर ओपन होगा, कौन सा कैमरा आप ओपन करना चाहते हैं। इसी तरह से और भी अलग ऑप्शन है। बैटरी परसेंटेज आप देखना चाहे तो बैटरी के भी बारे में यहाँ पर जानकारी मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों, और भी अलग अलग ऑप्शन है इसमें। तो आप इस तरीके से मैं आपको भी लाइव प्रूफ करके यहाँ पर बता दिया हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।